भदोही से निहाल अली ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भदोही में रामनवमी पर पुलिस ने दिया तोहफा, 10-50 लाख का खोया हुआ मोबाइल सौंपा। ज्ञानपुर में भदोही जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की जानबाज पुलिस ने जनपदवासियों को रामनवमी के दिन तोहफा दिया है। पुलिस ने करीब 10.5 लाख रुपए की कीमत का खोया हुआ मोबाइल बरामद किया है और जिनका मोबाइल खोया हुआ था उन्हें रामनवमी के दिन ज्ञानपुर पुलिस लाइन में उनका खोया हुआ फोन लौटाया गया है। खोया हुआ फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में मोबाइल चोरी होने और मोबाइल गायब होने के बाद तमाम लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतों को संज्ञान में लेकर पुलिस क्राइम ब्रांच सर्विलांस साइबर सेल और स्वॉट टीम ने गुमशुदा मोबाइलों की तलाश शुरू कर दी थी। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक जनपद की पुलिस ने खोए हुए कुल 65 मोबाइल फोन को बरामद किया है। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 10,50,000 रुपए बताई गई है। बुधवार को रामनवमी के मौके पर ज्ञानपुर पुलिस लाइन में बुलाकर खोए हुए मोबाइल को लोगों को सौंप दिया गया है। खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। खोए हुए मोबाइल को बरामद करने वाली टीम में विलांस प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश सिंह, कांस्टेबल गोपाल खरवार, कांस्टेबल सुनील कन्नौजिया, कांस्टेबल रोहन वर्मा शामिल रहे। ये जनपद में जिन लोगों का मोबाइल किसी वजह से गिर जाता है, खो जाता है, वो पुलिस को शिकायत करते हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि यदि किसी का मोबाइल खो जाए तो पुलिस को शिकायत दर्ज कराएं और पुलिस उसके बाद हमारी जो साइबर टीम और सर्विलांस टीम है ये उन मोबाइलों को खोजने का प्रयास करते हैं। उसमें से काफ़ी मोबाइल पुलिस बरामद करने में सफल हो जाती है। उन्हीं मोबाइल को आज नवरात्रा, रामनवमी और रमजान माह के पावन अवसर पे जनपद भदोही के 65 मोबाइल को हमने उनके जो स्वामी थे जिनका खो गया था उनको ट्रेस करके उनको सुपुर्द किया गया है। कितना लागत हो सकता है? लगभग 10-10.5 लाख रुपये से अधिक के आप देख रहे हैं। लगभग सभी स्मार्टफोन हैं, लागत इनकी 10-10.5 लाख के आसपास। कैसा सही मोबाइल इसी जनपद के अन्य जनपद के बीच? ये जो हमारे जनपद में जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, हो सकता है किसी अन्य जनपद का व्यक्ति यहाँ आया हो, उसका गिर गया हो, इस तरह के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये भदोही जनपद के मोबाइल।